देशवासियों को जमील अख्तर बग्घा की तरफ से 72वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे मुल्क में कानून नाफिज हुआ था 1950 के अंदर। और आपको बता दें कि इस वक्त 26 नवंबर से लगातार जो 2020 में सेंट्रल हुकूमत ने जो कृषि कानून बिल लेकर आई थी उसका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है 26 नवंबर से, और आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और किसानों ने, आज पहली दफा ऐसा हुआ है किसान ने ट्रैक्टर रैली निकाली है, तमाम अलग अलग स्टेटों से सब लोग दिल्ली आए हैं, और यहाँ तक के उनपे जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है ITO के अंदर, और वो लाल किले भी पहुंचे हैं, और उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो जताया इस बात को लेकर कि बिल वापिस होना चाहिए। इस दौरान जो है प्रोटेस्ट के दरमियान कई बार हुकूमत की तरफ से भी, सेंट्रल हुकूमत तरफ से बैठक भी हुई, बातचीत भी किया गया, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। और ये अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो है वो दया सिंह साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के फाउंडर है, अध्यक्ष हैं। उनसे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि आप देख रहे हैं कि कई महीनों से लगातार जो है वो किसान जो नया बिल, कृषि कानून का बिल आया है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपका नजरिया क्या कहता है इसके अंदर कि वो बिल में वाकईतन वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? मेरा कहना ये है कि जो पंजाब से ये आवाज उठी है उसके कुछ कारण है। एक तो फार्मर्स के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि वहाँ मंडी एक्ट है उनके पास, जो स्टेट एक्ट है, और वो स्टेट एक्ट में काम करते हैं, उनके साथ आड़ती हैं, तो उनका लेन देन का सिस्टम बहुत साफ है, और उसका जो परसेंटेज APMC में उनको मिलता है वो भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलता है। आज भी पंजाब की जो आमदनी है एक किसान की वो 2,12,000 है, जबकि बिहार में जो APMC को तोड़कर 2006 में जो बनाया गया उसमें उसकी जो आमदनी है वो 42,000 रह गई। तो इसलिए जो ये पंजाब है उसको ये लगता है कि हमें भी दोबारा बिहार के तरह ना ही बना दिया जाए, हम भी उसी जगह ना पहुंच जाएं। इसलिए बिहार, पंजाब और हरियाणा में मंडीकरण जो सिस्टम है वो बहुत अपडेट है, उसमें कुछ सुधार वो चाहते हैं कि उसमें सुधार हो जाए, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे कृषि कानून ले आए जिससे ये सारे के सारे जो खेत खलिहान है वही आपके हाथ में चले जाएं और हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाएं। तो ये उनकी समस्या है और इसलिए अच्छा, इसके अंदर तीन कानून है, तीनों को विस्तार से देखा जाए तो तीनों के तीनों ऐसे ही है कि सब में विरोध करना चाहिए। तीनों में सीधी सी बात है कि उसका एक आधार है कि जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको ही डाइल्यूट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कोई भी अमीर आदमी अपना गोडाउन बनाकर उसमें मैक्सिमम अपना अनाज इकट्ठा कर लेगा, जब वो अनाज इकट्ठा कर लेगा तो आपके पास एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है नहीं, तो जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है नहीं तो आप उसको अपने तरीके से बेचेंगे। जब आप वो अमीर आदमी जो 20 रुपए में या 10 रुपए में या 8 रुपए में किलो का अनाज खरीद लेगा और उसके बाद वो 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बेचेगा, तो फिर हम कहाँ सस्टेन करेंगे। इसका मतलब यह है कि किसान कानून इसलिए भी गलत हैं, वो उपभोक्ता के लिए भी मुसीबत का कारण बनेंगे, उसमें महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो किसानों ने ये कदम उठाया है ये हम सब के लिए है, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे बाकी लोग हो, वो सब के लिए है। ये तो साझा प्लेटफॉर्म फार्मर्स ने बना दिया जो पंजाब से उठाई है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कानून को लेकर, तो क्या लगता है कि कुछ स्टैंड होगा इसके ऊपर? सरकार से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, कई बार बैठक भी हुई है लेकिन बैठक से कोई सोल्यूशन निकला नहीं अभी तक, कई बार बैठक हो चुकी है। दूसरी बात एक और है पंजाब के किसान के सामने जो इशू आया है, एक जो खेती कानून है वो स्टेट लिस्ट में है, वो सेंट्रल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, मोदी जी की समस्या, आज के प्रधानमंत्री और आज के मोदी सरकार की समस्या ये है कि हर कानून को स्टेट से लेकर अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि स्टेटों के पास पावर ही ना रहे। जैसे ये पैसा बांट रहे हैं कि हर एक के खाते में, जनधन खाते में चले जाएंगे पैसा, इसका मतलब स्टेट के पास तो कोई पावर रही नहीं,
सारी पावर आपके पास है। इसे पंजाब का किसान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि सारे जो हमारे अधिकार हैं, जो वहाँ की सरकार के अधिकार हैं, जो हमारे लोगों के अधिकार हैं, उनको आप छीन लें और उसके ऊपर अपने कानून बना दें। तो वो ये भी चाहते हैं कि आप इन कानूनों को निरस्त करके, खत्म करके, ये स्टेट के कानून है, एपीएमसी स्टेट का कानून है, वो बना देंगे और जैसा भी हम चाहेंगे वैसा बनवा लेंगे। तो आपके साथ तो ये मीटिंग का कोई अर्थ ही नहीं था। वो खिलाफ इसलिए हैं कि आपको ये कानून बनाने का कोई कारण नहीं था, आपने धक्के से ये कानून बनाए और बिना विचार चर्चा किए ये कानून बनाए, इसलिए हम इनको गलत मानते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई समझौता नहीं करते। हाँ, अगर आपने कुछ करना है हमारे लिए तो एमएसपी को गारंटी कर दें, एमएसपी के ऊपर कानून बना दें कि उससे नीचे कोई आदमी, कोई हमारी जो प्रोडक्शन है वो नहीं खरीद सके। कई दिनों से किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई महीने भी हो चुके हैं, तो आप लोग की जो संस्था और इंडिया पीस मिशन, तो उसकी तरफ से क्या क्या काम है उसकी तरफ से? मैंने अब बार बार इस पर चर्चा की है लोगों के साथ, इन लोगों के साथ भी चर्चा की है। वहाँ मैं पूना गया था महाराष्ट्र में, 16 दिसंबर को मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मैंने महाराष्ट्र में ये बताया और सब ने बड़ी उत्सुकता से प्रेस क्लब में और सारे प्रेस के वार्ता में उन सब ने जो सवाल पूछे मैंने उनको बताया कि इसलिए नहीं कि ये सिखों के लिए है कोई बात, ये इसलिए है कि क्योंकि ये आवाज़ पंजाब से उठी है, शायद लोग ये समझ रहे हैं कि सिखों के लिए, ये सिखों का इसमें कोई लेना देना नहीं। हरियाणा में भी यही बात है, राजस्थान में भी यही बात है, तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जो पंजाब से ये आवाज़ उठी है उसको आप मान लें और इसको, इन कानूनों को निरस्त करें, इनका कोई लाभ नहीं है। बिल लेकर आई है सरकार, तो इनका ऐसा मानना है कि बहुत फायदेमंद बिल है, क्योंकि पहला हम कई बार देखते थे सड़कों पर टमाटर है या प्याज है उसको फेंक देते, उनका ऐसा मानना था कि जो एमएसपी का जो रेट है वो रेट तरीके से उनको मिल नहीं पाता था, तो क्या इसमें सच्चाई है लगता है? एमएसपी 23 प्रोड्यूस पर मिलता है, अच्छा। सभी पर नहीं मिलता, 23 में से भी ज्यादातर पंजाब हरियाणा में दो ही फसल है जो रबी और खरीफ की फसल है, इस पर ही एमएसपी है या कुछ की कपास पर है। तो मेरा ये कहना है क्योंकि सरकार एमएसपी पर खरीदती थी 6%, बाकी सारा ही मार्केट में जाता था। किसानों का ये कहना है कि कोई भी खरीदे, ऐसा कानून एमएसपी का बना दो कि एमएसपी के रेट से नीचे बोली ना लगे। जब बोली ही उससे नीचे नहीं लगेगी तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी अनाज बिकेगा वो एमएसपी के रेट से बिकेगा, और किसान क्या चाह रहा है, और तो किसान इससे ज़्यादा चाह नहीं रहे। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि बजाय के सरकार किसी बिजनेसमैन का, किसी अमीरों की बात करके या लोगों के मन में ये जाए कि ये अमीरों के लिए काम कर रही है, तो सरकार का ये फर्ज है कि इस एप्रीहेंशन को, इस आशंका को दूर करे और एमएसपी की गारंटी दे, इन तीन कानूनों को वापस करे और एपीएमसी को एक सिस्टेमेटिक जो है वो स्टेटों को गाइडलाइंस दे दे और उनके निर्देशानुसार वो स्टेट जो है अपना कानून बना दे। तो इतनी सी बात है, इससे ज्यादा बात तो कोई है नहीं, तो इसमें कहाँ।